हो गया स्टार्ट। चलो टॉपिक डालो, सबसे पहले टॉपिक है तुम्हारा मैथ्स का, वो है तुम्हारा नंबर सिस्टम, ठीक है। जो सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा मैथ्स का है वो तुम्हारा नंबर सिस्टम है, ठीक। नंबर सिस्टम हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, इसको बोलते हैं हम संख्या पद्धति। पहले संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं कि संख्या किस किस तरीके से क्या क्या होता है, उसके बाद इसके एग्जाम में जो आपके टीटी में जो क्वेश्चंस किस लेवल पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, फिर उसको बताऊंगा। पूरा मैथ किस पे डिपेंड होता है, नंबर्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो जो नंबर्स होता है वो सबसे पहला होता है वो होता है नेचुरल नंबर। सब हिंदी मीडियम कि इंग्लिश मीडियम भी है, कोई कोई अंग्रेज है हमारे में? अच्छा, एक ही अंग्रेज है, ठीक है। नेचुरल नंबर जो होता है इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या मतलब ऐसी सारी संख्या जिसको हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे सारे नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, एक हुआ, दो हुआ, तीन, चार, ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा अपने को, अनंत तक जाएगा। समझे प्राकृतिक किसको बोलते हैं, वह सारे नंबर जिसको हम लोग क्या करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं अपन लोग, काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं अपने को। इसी का जस्ट दूसरा होता है वो हमारा होता है होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। इस होल को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जब जीरो का इजाद हो गया था ना अपने को, तो इसमें जब जीरो इंक्लूड कर दो अपने को, पहले एक से लेकर नौ तक नंबर को जीरो मिल गया अपने, कंप्लीट हो गया। तो जो जीरो से स्टार्ट होगा और जाएगा अनंत तक। कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से, और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। बहुत बार इसमें एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत बार आपके सीजेट पूछा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं को लेके आए हैं, आए ना सब, लेकिन क्या सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण को लेके आया है क्या? नहीं लेके आया, क्योंकि जीरो उसमें आया क्या? जीरो उसमें नहीं आया। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। मतलब सारी प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, पूर्ण होंगी, लेकिन सारे पूर्ण यहाँ पर क्या प्राकृतिक हमारा नहीं होगा। सभी को क्लियर हुआ पहला चीज। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर। इवन हम किसको बोलते हैं, सम संख्या। वाह, दो, चार, छ, आठ, ऐसा करते करते, मतलब जिसके अंत में यहाँ पर क्या होगा, जिसके अंत में दो, चार, छ, आठ और जीरो होगा वो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद हमारे पास आता है विषम संख्या। विषम को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, विषम हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। वो यहाँ पर क्या होता है, जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 जो लास्ट में हमारे पास ही आता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है, ये हमारे पास विषम संख्या आ गया हमारे पास, ठीक। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो संख्या होता है वो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य। किसको बोलते हैं? अभाज्य। मतलब ऐसी कोई संख्या जो किससे, एक से और किससे, अपने आप से, मतलब एक से और किससे या तो भाग जाता है, खुद से भाग जाता है, वो हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होगा, दो होगा। दो, तीन, पाँच, सात, ऐसा करते 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 अनंत तक जाएगा, ठीक है। अगर बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होगा हमारे पास, दो। और दो ही इकलौती ऐसी संख्या है जो सम भी है और यहाँ पर क्या है, अभाज्य। दो के बाद कोई सी भी आपको सम संख्या कहीं पर भी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो दो ही इकलौता ऐसा संख्या है जो यहाँ पर क्या है, जो सम भी है और साथ में यहाँ पर क्या, अभाज्य भी। एक नहीं होता। वन क्यों नहीं होता, क्योंकि वन क्या होता है, एक जो होता है, एक का वर्ग भी होता है, एक का घन भी होता है, होता है ना। सो वन इज़ अ स्पेशल नंबर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक को अभाज्य हम लोग नहीं लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया तुम लोग को टीटी में, जो अभाज्य वाला हो गया, ये हो गया अपने को। इसके बाद होता को प्राइम। को प्राइम मतलब सह अभाज्य। क्या हुआ, सह अभाज्य। जैसे ये जो हमारा प्राइम नंबर क्या हुआ, अभाज्य हुआ, ठीक है। वैसे अगर मैं बोलूंगा कॉम्पोजिट नंबर, क्या बोला,
कॉम्पोजिट नंबर, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता, किससे डिवाइड होता है, एक से होता है, और किससे होता है, खुद से होता है। वैसे अगर मैं कॉम्पोजिट बोलूंगा तो ये नंबर क्या होगा, इनको छोड़ के जो दूसरे नंबर होंगे जो किसी न किसी से डिवाइड होगा। जैसे अगर मैं बोल दूंगा 6, 6 किससे भाग जाएगा, 1, 2, 3 और 6। अगर सपोज मैंने बोला 12 तो किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, अलग से जाएगा अपने को, तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्पोजिट कहलाएगा। ये जो सहअभाज्य होता है, ये जो को प्राइम बोलते हैं, ये क्वेश्चन कैसा देगा, ये क्वेश्चन देने का तरीका कैसा होता है, ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा, हमारे पास दिया है 7, 21, 5, 15, 8, 27, 12 और मान लो 21, ये तुमको इस तरीके से दिया है। ठीक है, और अगर बोला है कि इसमें अपने को सहअभाज्य देखना है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो नंबर्स हैं, ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि जो 7 है अभाज्य संख्या हो गया, वो ना 7 अभाज्य संख्या, 5 यहाँ पर क्या हुआ, अभाज्य संख्या हो गया, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि इसको क्या हो जाएगा, सहअभाज्य हो जाएगा। सहअभाज्य मतलब क्या होता है, ये आपस में ये दो नंबर है ना, वो चाहे भाज्य हो अभाज्य हो उससे मतलब नहीं है, ये दोनों आपस में किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। क्या ये 8 27 को भाग करता है, क्या 27 8 को भाग करता है, या ये दोनों किसी एक नंबर से भाग जाता है, नहीं जाता ना, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ कॉम्पोजिट नंबर करके ऐसा तुमको पेयर देगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्या होगा, सहभाज्य होगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा। सभी क्लियर हुआ, ऐसा कोई जिसके मन में संशय, पक्का? तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, हम लोग को प्राइम नंबर सीख लिए, सहभाज्य संख्या सीख लिए, भाज्य किसको बोलता है, ये होता अपने को बेसिकली, और नंबर्स होते अपने को फिलहाल उसका अपना काम का नहीं है। ठीक है, वो हमारे काम का नहीं, वो बाकी एग्जाम्स में आता अपने को, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता वो बाद में आता। ठीक है, हमको काम इतने का है। अब क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में कहाँ कहाँ से पूछता है, सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो पोर्शन होता है क्रमागत संख्या वाला। कौन सा संख्या, क्रमागत, इस क्रमागत को बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव। क्या बोलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव। क्रमागत कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता क्या है, जो एक के बाद एक आता है। ठीक है, अगर मैंने शुरुआत 4 से किया तो 4 के बाद क्या आएगा, आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 7, 7 के बाद क्या आएगा, 8। इसी वे में कंटिन्यू होगा, होगा ना, इसी कंटिन्यू होगा। तो अगर मैं सपोज पहला 4 लिया तो क्या मैं दूसरे को 4+1 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, इसको मैं 4+2 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, इसको बेस लेके यहीं से आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, फॉर दिस वन 4+3 एंड फॉर दिस वन 4+4, ऐसा बढ़ा रहा हूँ, यही होता है ना। ठीक है, मैथ्स में बचपन से कौन परेशान करके रखा हुआ है, एक्स, नहीं क्या परेशान, माना कोई संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बोला 3 संख्या, अगर मैं शुरुआत में, अगर मैं यहाँ पर शुरुआत की 3 संख्या लिया, तो पहला क्या लिया 4, दूसरा क्या लिया 4+1 और तीसरा क्या लिया 4+2। ठीक है ना, तो अगर मैं पहला संख्या एक्स लिया तो दूसरा क्या लूँगा, एक्स प्लस, अगला क्या लूंगा, इन द सेम वे x+3 और फिर x+4। आगे सब भोजन ला, समझ में आ गया ना अपने को। अब अगर क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में अगर मैंने बोला कि 5 क्रमागत संख्या का योग, 5 क्रमागत संख्याओं का योग मैंने बोला है 40 है, आपको सभी संख्या निकालना है। क्वेश्चन कैसा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 40, सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 40।
वी हैव टू फाइंड द नंबर, कितना संख्या बोला है, पाँच। तो पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अच्छा अच्छा हो गया हो गया, अच्छा अच्छा वो फ्लो चलता रहता है तो हो जाता है, ठीक है। अब सबको क्या बोला है, तो सभी को क्या कर देंगे, इज इक्वल टू क्या करेंगे, 40, ठीक है ना। आ रहा सभी को समझ में, ऐसा कोई जिसको दिक्कत नहीं। x कितने बार है, 1 2 3 4 5, कितने बार है, 5x, 1 2 3 4 बराबर क्या हुआ, 40। तो 5x बराबर कितना हुआ, 40 में से 10 गया, कितना बची, बचेगा 30। तो x कितना हो जाएगा, 30/5, कितना हुई बराबर, 6। सभी को समझ में आया, x का मान कितना हो गया, 6। तो ये सबसे पहली संख्या क्या होगी, 6, ये और ये 10। सभी को समझ में आया, कैसे पूछा क्रमागत संख्या, सभी क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब अगर मैं बोला ये तीन नंबर लिया, लिया तीन नंबर, इस तीन में बीच का कौन सा होगा, ये वाला होगा, समझ में आ रहा, जो बोला तीन में बीच का कौन सा होगा, ये वाला होगा। अगर मैं पांच लिया, ये सबको समझ में आया ना, अगर मैं तीन नंबर लिया ऐसा, 1 2 और 3, ये क्या होगा, उसके बीच का होगा, बीच का। अब अगर सपोज मैं चार नंबर लिया, चार में बीच का कौन सा होगा, ये वाला होगा, समझ में आ रहा जो बता रहा हूं, तीन में क्या होगा, बीच का ये वाला होगा, पांच में भी ये वाला होगा, चार लूंगा तो क्या होगा, बीच का कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक। अब अगर मैं सपोज तीन पांच नंबर बोला, 1 2 3 4 और 5, क्वेश्चन में क्या बोला था, कितनी संख्या, पांच का योग कितना बोला, पांच का योग कितना बोला, 40। तो इसको पांच से भाग कर दिया, कितना आ गया भाई, 8। तो ये बीच का क्या मिल गया, मिला बीच का 8। 8 के बाद क्या होगा, 9 के बाद क्या होगा, 8 से पहले क्या होगा, 7 से पहले क्या होगा, ये आ गया आंसर, ये था ना अपने पास, वाह सीख गए तुम लोग, तो सीख गए। सभी को समझ में आया, पक्का क्लियर। अब अगर सपोज मैंने बोल दिया चार नंबर, मैंने सपोज मैंने बोला चार नंबर लिया, एक नंबर रैंडमली कहीं से भी उठा लेते हैं, ठीक है, चलो 10 11 उठा लेते हैं, 10 11 12 और 13, समझना कैसे होता है, कितने नंबर है, चार। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन यह है कि इसका योग कर लो, कितना हुआ, 46। टोटल कितना हुआ इसका, 46, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा है कि चार क्रमागत संख्याओं का योग 46 है, हमको पता करना है वो कौन कौन सा है। तो तीन में बताया, समझ में आ गया था, चार में क्या होगा, ये बीच वाला होगा, मतलब देखो ये हम संख्याओं को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, संख्याओं को ले रहे हैं, बीच का बोलूंगा तो कोई संख्या होगा क्या, नहीं, उसके आजू बाजू का संख्या होगा, ठीक है ना। इसको चार से भाग किया, कितना मिला, 11.5, क्या मिला, मिला 11.5, कितने के बारे में बात किया, चार के बारे में। तो 1 2 3 4, ये बीच वाला कितना है, लेकिन ये संख्या तो नहीं है, है क्या संख्या, नहीं है। इसके बाद अगला संख्या क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, मिल गया सर, समझ में आया, पक्का क्रमागत संख्या समझ में आ गई सभी को, पक्का कोई डाउट तो नहीं है। ये पहला क्या बोलेगा अपने को, क्रमागत संख्या वाला बोला, क्या बोला अपने को, क्रमागत संख्या वाला, ठीक है। अब जो सेकेंड होगा ना, वो क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या। अब क्या बोलते हैं अपन लोग, सम और विषम जानते हैं अपन लोग, जानते ना सब, सम संख्या मतलब क्या हुआ, दो
जैसे अगर मैं सम संख्या बोला तो वो क्या हुआ, अगर मैं शुरुआत कहीं से भी कर लेता हूँ, मान लो मेरा मन किया मैंने शुरुआत 12 से किया, ठीक है, अगला क्या होगा, अगला 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 ऐसे ही होगा। चलो विषम संख्या ले लेते हैं, शुरुआत मान लो 17 से कर लेते हैं, ठीक है, अगला क्या होगा, फिर ओकर बाद उसके बाद ऐसे ही बढ़ेगा आगे, ऐसे बढ़ेगा ना, ठीक। पहला संख्या 12, अगला का मैं क्या किया, ठीक है ना, यहां पर 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस, ऐसे क्या सही है ना, सही ऐसे करेंगे, ठीक। अब अगर मान लो पहला अगर मैं x लिया तो अगला क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर अगला क्या होगा, इसी वे में कंटिन्यू होगा, ऐसे ही होगा ना। अब अगर सपोज मैं यहां पे इसको भी अगर मैं x लिया तो ये क्या होगा, यही होगा। अब जो हम लोग कन्फ्यूजन करते हैं, क्या करते हैं, अगर मैं क्रमागत संख्या तो क्लियर हो गया, हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, क्रमागत सम संख्या बोलेगा तो 2, 4, 6 ऐड करते हैं, और विषम बोलेगा ऑड बोलेगा तो 1, 3, 5 ऐड करते हैं, वो वाला गलती मत करना। चाहे क्रमागत सम संख्या बोले, चाहे क्रमागत विषम संख्या बोले, क्या बोला हूँ, चाहे क्रमागत सम संख्या बोला हो या भले ही बोला हो क्रमागत विषम संख्या बोला हो, दोनों में क्या होगा, पहला संख्या होगा x, दूसरा होगा x प्लस 2, फिर क्या होगा x प्लस 4, फिर क्या होगा x प्लस 6, और इसी वे में कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं कि विषम संख्या बोल दिया तो अपन लोग x, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5 ऐसा ऐसा लाइन से कर लिए, ऐसा नहीं होगा। सभी को समझ में आया, पक्का, ठीक। तो अब वही सेम फंडा है, याद है, 3, 3 में कौन सा होगा, ये होगा बीच का, 4 बोलूंगा तो ये वाला, 5 बोला तो ये वाला, ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, 4 बज रहा है, सवा 4 बजेगा तो मेरे को याद दिलाना, ठीक है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 24, हमको संख्या निकालना है, कितना संख्या बोला है, तो 1, 2 और 3, ठीक है ना, 3 से भाग कर देते हैं भाई, तो कितना हुआ, 8, ये बीच का 8 होगा, 8 के बाद क्या होगा, हाँ बड़ा 11 होगा, इधर क्या होगा, 6, समझ में आ गया, सीख गए, हाँ चलो बस सीखना है, चिंता मत को, सिखा मैं दूंगा कैसे भी करके, वो मेरा जवाबदारी है। सभी को क्लियर हो गया, अब 4 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है, इसके अपन एक और ले लेते हैं, चलो इसी में अपन लोग एक और कर लेते हैं, 12 ले लिए, ठीक है, चलो। अब अगर मैं बोला यहां पर कितना था, 3 का था, कितने का था, 3, अब अगर मैंने बोला कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 44 है, 4 क्रमागत कौन सी संख्या, सम संख्या, समझ में आ रहा प्रश्न क्या बोल रहा हूं,
कितनी? चार क्रमागत सम संख्या, कौन सी संख्या? सम, तो एक दो तीन चार, ठीक है ना भाई, ले लिए चार। चार में कौन सा होगा? होगा बीच का, वो ना बीच का। अब इसको चार से भाग कर दिए, कितना आया? मतलब ये बीच का क्या होगा? ग्यारह। हमको निकालना कौन सी संख्या? तो इसके बाद यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर क्या मिलेगा? वाह, यहां पर और यहां पर आठ। भयानक समझदार हो भाई तुम लोग तो। अपन इसी बार निकालेंगे टीटी, चिंता मत करो। आ गया सभी को समझ में? आया पक्का? क्लियर? तो सेम विषम के लिए कर लोगे? एग्जांपल दो, कर लोगे विषम के लिए? पक्का ना? ठीक। मैं फोटो खींच लिया करो फटाक से, मतलब अच्छा जो उतार ले। नहीं नहीं बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्या होता है कि हम लोग क्या होता है, नहीं बहुत बार क्या होता है, हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, हमको क्या लगता है कि कॉपी भर लेते हैं, घर में जाके चैन से देखेंगे, और इस चक्कर में क्या होता है हम लोग कॉपी में लिखते लिखते सोचते वहाँ पर। अभी अपन इतने टैलेंटेड नहीं हो कि अपन दो जगह ऐसा करके और ऐसा देख ले समझ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ना जब बोर्ड में पढ़ा रहा हूँगा ना तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन ना लिखने विखने पर मत करना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पर रखना है, क्योंकि क्या अगर ये तुम्हारे पास अगर लैग गलती से छूट गया ना फिर वापस को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो इसका फ़ोटो खींच लो, घर जाके आराम से देख लो, अपनी फ़ोटो के बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो इसको भी देख लेना थोड़ा बहुत, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। समझ में आएगा सभी को? तो क्रमागत संख्या निकल जाएगा, क्रमागत सम संख्या निकल जाएगा, क्रमागत विषम संख्या निकल जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी में होता गुणज वाला, क्रमागत संख्या में गुणज वाला होता, लेकिन वो व्यापम व्यापम में पूछता अपने को, ठीक है। तो पहला पोर्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, कौन सा है? क्रमागत संख्या अपन लोग सीख लिए, सीख लिए ना। अच्छा मान लो यदि कोई संख्या बोला है तो क्या लेके चलेंगे अपन लोग? क्या लेके जाएंगे? एक्स। मानो बोला है कि माना दो संख्या तो क्या क्या लेंगे? एक्स और। तुम लोग अपनी मर्जी से ए और बी भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं अपन लोग एक्स और वाई में अटकेंगे, अपन लोग ए और बी भी ले सकते हैं, ठीक है। क्रमागत संख्या अपने पास खत्म हो गया। जो सेकंड वाला है ना ये है दो अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या? दो अंकों की संख्या, ठीक है। दो अंकों की जो संख्या होता है वो अपन लोग क्या बोलते हैं? जैसे मैं बोल दिया 12, या मैंने बोला 47, या मैंने बोला 53, 53, ठीक है ना, ये सभी दो अंकों की संख्या है। क्या ये दो अंकों की संख्या है? ये कितने अंकों की? तीन अंक है ना, हाँ ठीक, मतलब सो नहीं रहे हो जग रहे हो, ठीक है, दो अंकों की संख्या है ना भाई। मान लो 50, इसको लिख लेते हैं। अब ये जो स्थान है कौन सा स्थान होता है? इकाई, और इलाका बोलते हैं, इट इज व्हाट वी कॉल्ड वंस एंड इट इज कॉल्ड टेंस, ऐसे ही होता है। ये नंबर फॉर्म 12 हुआ कैसे? 12 हमारे पास हुआ 1 × 10 प्लस 2 × 1, तभी तो ये आगे जाके 10 प्लस 2 मिला के 12 बना है, ऐसे बनता है ना। जो दो अंकों की संख्या होती है वो दो अंकों की संख्या इसी प्रकार बनती है अपने को। अब अगर सपोज मैं बोला 47, हाउ वी फाउंड 47? इट्स 4 × 10 प्लस 7 × 1, बिकॉज 4 इज एट द टेंथ प्लेस, सॉरी हाँ टेंथ प्लेस दहाई में है, और 7 किस में? इकाई में, मतलब वंस प्लेस में है, ठीक है ना। फर्दर ये क्या बना? 40, और क्या बना? 7। सभी को समझ गया दो अंक की संख्या कैसे बनती है, ठीक है ना। अब अगर मैं बोला एक दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या बोलेगा तो यहां पर क्या ले लेंगे? x, और यहां पर क्या लिए? y। ये दो अंकों की संख्या
है ना। तो ये दो अंकों की संख्या बनेगा कैसे? अगर बोला है कि दो अंकों की संख्या है तो ये कहाँ पर है? दहाई। ये कहाँ पर है? इकाई। तो वो दो अंकों की संख्या क्या बनेगा? 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वन, 10x प्लस वाई, ये बनेगा। आया नींद तो नहीं आ रहा इसी में? नहीं होता है। दिन में थके आ रहे हैं, इसी मिल गया तो फिर नहीं होता। होता है ऐसा, होता है आप लोग साथ में कभी कर ऐसा होता है कि अपन लोग इधर लग जाती है। आगे समझ सभी को? आया 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 सभी को आया? पक्का? ठीक। अब यहां पर क्या था? 12। स्थान को परस्पर बदल दिया, मतलब ये जो 12 में है क्या हुआ, ये चला गया इसकी जगह और ये चला गया इसकी जगह। अब संख्या क्या बनेगा? समझ में? अगर दोनों का स्थान बदल दिया तो क्या बनेगा? जैसे 47 है, 47 क्या बन जाएगा? ठीक है ना। अब अगर दो अंकों की संख्या में एक्स वाई लिया तो ये यहां पर इस तरीके से बना। अब अगर मैं स्थान पलट दिया, आपस में स्थान को बदल दिया, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स लेके चला गया, तो अब नंबर क्या बनेगा? नंबर बनेगा वाई एक्स, और नया नंबर क्या बनेगा? 10y + x, ऐसे ही बनेगा। समझ में आ रहा जो बोल रहा हूं मैं? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, क्या x प्लस वाई एक्स वाई होता है क्या? कितने लोगों को लगता होता है? ईमानदारी से बताना, एकदम ईमानदारी से। नहीं? अब बड़ समझदार तो मनते यार, बाप रे। ठीक है चलो, अच्छा है। x प्लस वाई एक्स वाई नहीं होता, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई ही होगा, और x माइनस वाई भी क्या होगा? x माइनस वाई होगा, टिल x इंटू वाई क्या होगा? एक्स वाई होगा। ये सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? अच्छा, अब मूल संख्या कौन सी है? मूल मतलब ओरिजिनल, ये है। नया संख्या जो पलट के बनाया कौन सा है? ठीक है ना, सभी को समझ में आया? मूल और नए को जोड़ा, मूल और नए को जोड़ा तो क्या मिला? मिलेगा क्या? मिलेगा? ऐसा कुछ जिसको नहीं मिल रहा है? बोर्ड कोने में होगा तो दिख नहीं रहा ऐसा कुछ? ठीक है ना। दोनों में कॉमन क्या है? 11 कॉमन है, तो क्या बचा? सही है, सही है ना। तो मतलब मूल संख्या और जो नया संख्या, मूल संख्या और जो नया संख्या जिसको आपस में पलट के बनाया हूं, तो वो हमेशा किससे भाग जाएगा? 11 से भाग जाएगा। वीडियो में और लाइट चमक रहा है। अच्छा, तो इसको कम करें थिएटर, ऐसा है क्या? हाँ, थिएटर बना देंगे अपन लोग, दिख जाएगा सबको, दिख जाएगा सबको। अच्छा, मैं तो नहीं दिख रहा हूँ वैसे। वो अपना कलर ही ऐसा है ना कि नहीं दिखता। ठीक है, हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? वहाँ दिखे नहीं दिखे क्या होता है? बोर्ड दिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैन इन ब्लैक हमारे लिए बना है, तुम लोग को नहीं मालूम है, मैं और एलके सर है ना, वो हमारे लिए बना मैन इन ब्लैक। ठीक है, अच्छा, ये सबको समझ में आ गया? मतलब अगर क्या हुआ, जो मूल संख्या हुआ और उस संख्या को यहाँ पर क्या कर दिया, पलट के जोड़ दिया, तो हमेशा किससे भाग जाएगा? 11 से भाग जाएगा। ये सभी को समझ में आया? अब ये दोनों को आपस में माइनस कर दिया, यहाँ पर क्या किया था? प्लस किया था। अब अगर सपोज दोनों के यहाँ पर क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब माइनस करूंगा तो क्या फर्क होगा ये समझना।
ठीक। अब अगर जब माइनस करेंगे तो ये होगा 10x प्लस वाई, और यहाँ पर माइनस जब होगा 10y माई प्लस एक्स, तो जब बाहर आएगा तो ये क्या होगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, तो क्या बचेगा 9x माइनस 9y बराबर 9x माइनस वाई, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन तुम्हारे पास ग्रुप में पीडीएफ में डाल दूंगा मैं, बस मेरे को याद दिलाना तुम लोग कि मैं आज क्या क्या पढ़ाया हूँ करके, है ना। तुम लोग याद दिला दोगे कि कॉन्जुगेटिव नंबर पढ़ाया और क्या पढ़ाया अपने को, ये दो अंकों वाले संख्या अपने को बता देना, है ना। उसका पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा याद से। ये सभी को समझ में आया, पक्का क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए था कि समझते कैसे हैं, अंतर अंतर योग में अपन लोग क्या किए थे प्लस किए थे, अंतर में क्या करेंगे माइनस करेंगे, बस वही फर्क, ठीक है। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अच्छा चलिए निश्चिंत हो जा अभी से। तो क्या है क्वेश्चन लिख लो, इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, वो तीनों में ही पूरा तुम लोग को समझ में आ जाएगा, उससे बाहर कभी नहीं पूछेगा, याद रखना। पहला क्वेश्चन बोला है, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक दो अंकों की संख्या, एक यहां पर क्या बोला है, एक दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, ठीक, और उसको पलटकर, और उसको पलटकर मतलब अदला बदली पलटकर, पलटकर योग करने पर, पलटकर योग करने पर हमें 77 प्राप्त होता है, 77 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है 77 प्राप्त होता है। आपको संख्याओं का योग निकालना है, क्या निकालना है आपको, जो दो नंबर होंगे ना वो दोनों संख्याओं का योग निकालना है, समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, एक दो अंकों की संख्या है, एक दो अंकों की संख्या है, और साथ में क्या किया उसको जब पलट के बनाया, क्या बनाया उसको पलट के बनाया, जैसे 12 को पलटा तो क्या बना 21, पलटा बना ना अपने को, अगर सपोज मैं 13 बार 13 क्या बनेगा अपने को 31 बनेगा, ऐसे बनेगा अपने को। तो अब जो दो संख्या मिला है, वो जो अंक मिला है वो क्या मिला है, जैसे 12 बोला तो क्या मिला है? एक और दो, दोनों का योग कितना हुआ 3 हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पे क्या बोला, दो अंकों की संख्या है, इसको पलटा और पलट के आपस में इसको इससे जोड़ दिया तो मुझे क्या मिला 77। समझ में आ रहा जो बोल रहा हूं? अब अपने पास इतना टाइम तो नहीं अपन ऊपर एक ही चीज कर सके। अब नंबर क्या क्या हो सकता है पहले अपन लोग सीखते हैं। मैं बोला 43, उसका ऑपोजिट क्या होगा, दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ मिला। अगर सपोज मैं बोला 52, तो इसका ऑपोजिट कितना होगा, जोड़ा तो कितना हुआ, हुआ। अगर मैं बोला 61, इसका ऑपोजिट हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो जब इतना सारा हुआ तो इसमें से तो कुछ भी हो सकता संख्या, हमको क्या बोला संख्या के अंकों का योग, आपके पास दो अंक मिला है ना दोनों का योग, ये दोनों को जोड़े तो कितना मिला, इसमें 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 और इसमें सभी में 7 मिला, तो जो 77 मिला था उसको 11 से डिवाइड कर दिए तो क्या मिला 7। डायरेक्टली अपने को ये वाला काम करना है, समझ में आया पक्का। अपने पास इतना टाइम थोड़ी है, अपने पास 150 क्वेश्चन है, अपने पास समय कम है, तो अपन लोग फट 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 बनाएंगे अपन लोग, तभी तुम लोग मास्टर बनोगे। इतना है कि 15 दिन बाद तुम्हारे मैथ्स से एक अलग लेवल पे होगा, इसका गारंटी दे सकता हूँ मैं, इसकी चिंता मत करो। हाँ ये सभी को समझ में आया, ऐसा कोई जिसको मन में दुविधा लग रहा है, कहाँ लगा थे फिर से
वो जब एसी चल रहा था ना तो वहाँ बैठे बैठे सो रही थी, ऐसा आँख लग गया था। अरे मैं बोलता रहा हूँ सो गई थी, फिर झूठ बोल रही है ऐसा बोलना बोलना सो गई थी एसी, इसलिए एसी बंद किया मैं। हाँ बोल, क्या नहीं आया? हाँ कौन सा? 11 से क्यों किए? ये अपन लोग जब यहाँ इतना मेहनत से सीखे थे ना योग वाला, योग में अपन लोग क्या किए हैं? 11 बस 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 एकदम सही जा रहे तुम लोग। और अंतर में क्या किए? 9 अंतर में क्या करेंगे अपन लोग? 9 समझ में आ रहा है? योग में सभी सभी किसी को ले ले, 52 को उल्टा 55 कर, 52 को उल्टा वो कर ले, 53 को उल्टा 35 कर ले, कुछ भी कर ले। हाँ दो अंकों की संख्या, वो इतना इतना ही सोचना अपने को, अपने को उसके आगे नहीं सोचना, अपने को जित अभी पहले बता रहा हूँ। ये गलती कभी मत करना जब तुम लोग बना रहे हो ना कि सर ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। अपन ऐसा नहीं सोचेंगे, अपन कैसा सोचेंगे? जो बताया गया वो समझ में आया कि नहीं आ करके बस, क्योंकि काम का वही बताऊँगा, समय कम है तो अपन तो पूरा कवर नहीं कर सकते। तो जो तुम्हारे एग्ज़ाम में जो पूछने वाला पोर्शन है, जहाँ पे तुम्हारा पर्टिकुलर फोकस है और जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसी को ध्यान देना। तो कम समय में ज़्यादा करना है, ठीक है? तो योग में अपन लोग क्या करेंगे? 11 अंतर में क्या करेंगे? 9 क्लियर हुआ ना? अब यहाँ पर क्या बोला? 70 दिया था अपने को, 77 क्या बोला था अपन योग? तो अपन लोग क्या किए अपन लोग? अब अगर सेम क्वेश्चन बोला है, सेम क्वेश्चन ये बोला है कि एक दो अंकों की संख्या है और उसको पलट कर संख्या बनाई, एक दो अंकों की संख्या है और उसको पलट कर बनाया संख्या, दोनों का अंतर मैं बोला 45 है। अंतर कितना बोला? 45। अंतर बोला 45, कितना बोला? 45। आपको निकालना है संख्याओं का अंतर, क्या निकालना है? संख्याओं का अंतर। तो क्या करोगे? तो कितना आ जाएगा? 5। समझ में आया? क्वेश्चंस दिखते बहुत, मतलब मैथमेटिक्स में ना क्वेश्चंस दिखते बहुत तकलीफ वाले हैं, लेकिन होते उतने तकलीफ वाले नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमारे मन में पहले ही भ्रम बैठ गया कि मैथ्स बहुत टफ है ना? तो इस भ्रम में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? अब इसको ऑप्शन से कैसे हो गया, अब इसको ऑप्शन से कैसे बनाते हैं क्वेश्चन देखना। अब ये पूछा हुआ क्वेश्चन तुम्हारा क्या था ये बता रहा हूँ, ये तुम्हारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो एज इट इज़, क्वेश्चन लिखा रहा हूँ क्या था। एक दो अंकों की संख्याओं का योग, एक दो अंकों की संख्याओं का योग आठ है। कितना है? 8 है, ठीक है? मूल संख्या और संख्या को पलट कर बनाई नई संख्या, मूल संख्या और जो नया फॉर्म हुआ है कैसे, उसके ऑपोजिट से, उसका जो टोटल 88 है, उसका जो नई मूल संख्या और जो नया संख्या बना है पलट का जो बना है ना, वो दोनों का जो योग है, दोनों का जो योग है वो कितना है? 88 है। कितना है? 88 है, ठीक है? यहाँ तक आया। फिर आगे दिया हुआ इसमें, यदि इकाई की संख्या, यदि इकाई की संख्या दहाई की संख्या से, यदि इकाई की संख्या दहाई की संख्या से 3 अधिक है, नहीं 2 अधिक कर लो, 2 अधिक कर लो, यदि इकाई की संख्या दहाई की संख्या से कितना अधिक है? 2 अधिक है, हमको संख्या ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन 26 ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या बोला? 26। दूसरा ऑप्शन 62। तीसरा ऑप्शन 53। और चौथा ऑप्शन 35।
क्वेश्चन लगा बड़ा खतरनाक, इतना बड़ा है ना, लगा ना। अब इसमें वापस चालू करते हैं, चारों ऑप्शन है, वापस पीछे से पढ़ना चालू करते हैं। सबसे लास्ट लाइन क्या बोला है, मतलब यहां पर इकाई का संख्या है और यहां पर क्या संख्या है, ठीक है ना, ये इकाई और ये दहाई। बोला क्या है, इकाई की संख्या दहाई से कितना अधिक है, तो चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा है, 35 है, 35 है ना, 35, 35 का उल्टा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, समझ में आया, हाँ इतना ही इजी है मैथ्स, बताया ना, नहीं इजी, इतना ही तो होता है और क्या होता है, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड और क्या होता है, मैथ्स बताओ, इससे बड़े कुछ होता है क्या, नहीं होता है, समझ में सभी को, पक्का क्लियर हुआ। तो ये वाला प्रश्न कैसे बनाओगे, इसको अपन लोग इस तरीके से बनाएंगे, समझ में सभी को, क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हाँ उसमें ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि सब लाइव नहीं आया करके, वो एक दो लोग और मैसेज भी किए हैं, हाँ नहीं कोशिश किया करो, मतलब जो मतलब तुम्हारे जो दोस्त यार भी जो ऑनलाइन आने जाते हैं ना, उनको ऑनलाइन की जगह ना ऑफलाइन बुला लिया करो, क्या है, हाँ लाइव लाइव नहीं दिख रहा हूँ, अच्छा इसे मैं नहीं दिख रहा हूँ, अरे ये बोर्ड दिख रहा है ना, वो मेरा चमक इतना है कि वो अपने आप दिख जाएगा, चिंता मत करो, ये बोर्ड दिखना चाहिए, दिखा बस 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 काफ़ी है, क्लियर हुआ, अपन लोग दो सीख गए, क्या क्या सीख गया, क्रमागत संख्या सीख गए और क्या सीख गए, विषम संख्या सीख गए। अब अपन सीखते हैं इकाई का अंक, कौन सा अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब का होते, जो सबसे लास्ट में होता है, अगर मैं बोला 512 तो इकाई का अंक मतलब यूनिट्स प्लेस, अंग्रेज अंग्रेज लोगों के लिए इट्स यूनिट्स प्लेस, ठीक है, तो यूनिट्स प्लेस मतलब इकाई का अंक क्या होगा, सबसे जो लास्ट में होगा, हाँ रितु मुंह फाड़ लेस होते हुए आ, 512 का क्या होगा, लास्ट में क्या है, दो, तो दो इसका क्या होगा, इकाई का अंक होगा, समझ में आया। दहाई का अंक कौन सा हुआ, एक, ये कौन सा हुआ, अपने को उससे मतलब नहीं, अपने क्या सीखना है, इकाई का अंक सीखना है, ठीक है ना। इकाई का अंक का जो पहला क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है प्लस और माइनस से, क्या होता है प्लस और माइनस से, अच्छा 25 में से अगर मैं 8 गया, 25 में से मुझे 8 घटाना है तो कितना प्राप्त होगा, 17 प्राप्त हुआ ना, क्या प्राप्त हुआ, हुआ 17 प्राप्त हुआ, हुआ। ये होगा कैसे कि भाई यहाँ पे जो मिला है 5 वो 8 से क्या है, छोटा है, तो हम लोग एक क्या कर लेते हैं, कैरी लेते हैं अपन लोग, तो ये कितना बन जाएगा 15, और 15 में 60 जाएगा तो कितना बनेगा 7, ऐसे ही होगा ना। तो पहला क्वेश्चन प्लस माइनस से कैसे पूछेगा, बोलेगा कि भाई 2 3 5 7 प्लस 8 1 9 2 माइनस 2 3 6 7 माइनस 5 8 4 9, ऐसा हमको दिया हुआ मान लो, और बोला है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, जहां प्लस बोलेगा प्लस करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, माइनस, 7 और 2 9, ठीक है ना भाई, 7 और 2 9 हुआ, 9 में से 7 गया 2 हुआ, 9 में 7 गया तो 2, अब 2 में 9 तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा, 12, 12 में से 9 गया तो ये हमारा आंसर होगा, वाह 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 वाह, ऐसा नहीं वंस मोर थोड़ी होगा इसमें, ये वाला वंस मोर वाला नहीं है, क्या करेगी वो जो बता, समझ में आया ना, प्लस माइनस क्लियर हुआ, प्लस बोलेंगे तो जोड़ देंगे, माइनस बोलेगा तो घटा देंगे, 7 और 2 9 में से 7 गया,
अब दो में से नौ तो जाएगा नहीं, का करबो कितना, तो कितना बन जाएगा, 12 बनेगा, और 12 में से 9 जाएगा कितना बनेगा, इसलिए 3 होगा आंसर। समझ में सभी क्लियर हुआ? अब ये इसमें हो गया अपने को, है ना, अब ये इनटू में ही पूछ लेगा अपने को, जैसे बोलेगा 12 गुणित 18 गुणित 432 गुणित 868, इसमें बोला है कि इकाई का अंक क्या होगा, क्या बोला है, इकाई का मतलब हमको मतलब किससे, सिर्फ लास्ट वाले नंबर से मतलब, हमको बाकी से मतलब नहीं है। दो अट्ठे 16 का 6, 6 दुनी 12 का 2, 2 सत्ते 14 का, ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया? अब सामने प्लस माइनस देगा तो भी कर सकते हो। अब अगर तुम लोग को यहाँ पर कर दिया और इसके सामने में तुम लोग को बोल दिया है प्लस 129 प्लस 243, सपोज तुम लोग को ऐसा दे दिया और माइनस यहाँ पे दिया है 137, अगर सपोज ऐसा दे दिया मान लो, तो तुम लोग मल्टीप्लाई में यहाँ तक तो सीख चुके हो, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, 4 और 9 13, 13 और 4 17, 17 में से 7 गया 10, 10 का क्या बचेगा, 0। सभी को समझ में आया? इनटू के साथ प्लस माइनस सबको क्लियर होगा, इनटू के साथ प्लस माइनस कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना वहाँ तक, फिर से आया, कोई आया क्या क्लास के लिए, आ रहा 10 मिनट, ये टॉपिक ख़त्म करा के आ रहा हूँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इकाई अंक वाला हो गया अपने को, अब इसी का क्या होगा, पावर में होता है, किसका होता है अपने को, पावर में, ठीक है। अब जैसे एक के पावर में एक कितना होगा, एक, एक के पावर में दो, एक के पावर में तीन, अच्छा एक होगा क्या, कितना होगा, एक, एक के पावर में तीन कितना होगा, मतलब एक के पावर में कुछ भी रहे कितना होगा, एक ही होगा। समझ में आया? अब अगर मैं बोला 1961 के पावर में 315, इतना खतरनाक सा दिया है, और बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, एक होगा। समझ में आ रहा सभी को, पक्का? अब अगर मैं बोला 6, या अगर मैं बोला 5, बोला 5 के पावर में 1 कितना होगा, 5, 5 के पावर में 2, 5 के पावर में 3, तो 5 के पावर में कुछ भी हो, मतलब 0 को छोड़ के लास्ट में क्या मिलेगा, 5। सेम 6 के पावर में बोला, 6 के पावर में 1, 6, 2, 3, 4, ऐसा कुछ भी बोला, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 0 के पावर में 1, 0, 0 के पावर में 2, 0, 0 के पावर में 4, 0, 0 के पावर में 5, कितना होगा, 0। मतलब कोई सा भी नंबर जिसके लास्ट में 1 होगा, मतलब 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा, उसका इकाई में क्या आएगा, वही नंबर आएगा। अगर मैं बोला 245 के पावर में 471 बोल दिया, और बोला कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5। सभी को क्लियर हुआ, पक्का? समझ में आया ना, किस किस का, 0, 0, 1, 5 और 6, ठीक है ना। अब पावर में कैसे होता है, जैसे मैं बोलूँगा 4 के पावर में, जैसे मैं बोला सिंपल सा है, 5 के पावर में अगर मैं 2 बोला तो कितना हो जाएगा, 25, 5 के पावर में 3 बोलूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा, इस 25 में ये 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे ही होगा ना, तभी क्या प्राप्त होगा, 125। अगर मैं 5 के पावर में 4 बोलूंगा तो ये जो प्राप्त हुआ इसमें क्या करूंगा, 5, इसी वे में कंटिन्यू होगा, ठीक। तो सीख अपन लोग किस किस का चुके, अपन लोग 0, 1, 5 और 6। अब 4 और 9 का लेते हैं, 4 के पावर में 1, 4, 4 के पावर में 2, 16, 4 के पावर में 3, 64, 4 के पावर में 4, 256, 9 के पावर में 1, 9, 9 के पावर में 2,
81, 9 के पावर में 3, 729, 9 के पावर में 4, 6561, ठीक है। अब जब 4 में लिया, घात कितना है? घात सम है कि विषम है? विषम में कितना आया? सम में, विषम में, सम में। तो मतलब क्या होगा, जब लास्ट में क्या होगा, 4 होगा। अगर मैं बोला 264 के पावर में 482, सपोज मैंने ऐसा नंबर बोला है, तो यहां पर ये संख्या कौन सा है, लास्ट में क्या है, 4, और यहां पर क्या है, सम है ना, सम। तो इसमें क्या होगा, समझ में आया, पक्का क्लियर हुआ। अब अगर मैं सपोज बोला कि 424 के पावर में 115 क्या है, विषम है ना, विषम। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ गया सभी को, पक्का। 9 के में अगर घात विषम है, विषम में क्या हुआ, 9, सम में, विषम में, सम में, समझ में आया। अब अगर मैंने बोला 459 के पावर में 243, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। 259 के पावर में 84, तो इसमें क्या होगा, 1। समझ में आया, ठीक। इसका बचा और पावर वाला बचा हुआ, जहाँ पर और लगेगा उसको अपन लोग कल करेंगे, ठीक है। रुका नहीं, रुका, अब दबाइए।